हेलो गाइज एंड वेलकम बैक यू टू अनदर वीडियो। सो गाइज मेरा नाम अभिषेक भट्ट और आज को हम लोग लेके आए हैं किया सोनेट का जो GT9 होता है वो, ये 7 DCT ऑटोमेटिक में आता है और ये पेट्रोल वर्जन है। तो ये फेसलिफ्टिफ्ट वाला जो मॉडल 2024 में आया है वो वाला मॉडल आप देख रहे हैं अपने सामने में। वही स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की फ्रंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किया का नया लोगो मिल जाता है आपको, एक हनीकॉम शेप में ग्रिल मिल जाती है जिसके बीच में क्रोम टच भी दिया गया है और टाइगर नोज ग्रिल जो किया कि सेल्टॉस में भी आ रही थी वो सेम आपको सोनेट में देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये मुझे तो दूर से सेल्टॉस ही लगती है आगे से। यहाँ पे आपको ट्राई शेप में LED हेडलाइट मिल जाती है और एक कहीं ना कहीं XUV300 से मिलता जुलता इसका जो फ्रंट में DRL है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश का भी यूज़ किया गया है। नीचे में जो आपका बम्पर है वो आपका ग्रेज फिनिश में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है 17 इंचेस का डायमंड कट अलॉय व्हील जो कि डुअल टोन में है और ये देखने में गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वेन्यू के जो टॉप मॉडल है उससे बेटर ही है किया की जो HTX लाइन है और ये HTX प्लस मॉडल है डुअल टोन में। यहाँ पर आपको ORVM में मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स और ऊपर की तरफ आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको रूफ रेल मिल जाता है ब्लैक कलर में और डोर के नीचे जो यहाँ पे क्रोम गार्निश है वो कम्प्लीटली पीछे तक की गई है। मुझे पर्सनली गाइस किया सोनेट की जो यहाँ पे लुक है वो थोड़ी सी अच्छी उतनी नहीं लगती है, पर लुक सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद भी आ सकता है। यहाँ पे जो पीछे का टेल लाइट है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड है और पीछे से देखने में आपको रात के समय में थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, रात के समय में आपको ये देखने में किया सोनेट के जैसा ही लगेगा। ये अब पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। यहाँ पर आपको GT9 की जो बैचिंग है वो देखने को मिल जाती है और रियर में नीचे की तरफ आपको कैमरा मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है और डिफॉगर मिल जाता है क्योंकि ये वाली टॉप मॉडल है। और इस वाले का जो एक्सोरूम प्राइस है वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा और प्राइस लिस्ट भी कम्प्लीटली मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे लास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं साकफिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है, ऊपर की तरफ हाई टॉप माउंट लाइट भी देखने को मिल जाता है और ये वाला जो शेप आप देख रहे हो विंडस्क्रीन के बगल वाले, यही मुझे पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं आता किया सोनेट में। यहाँ पे सोनेट की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ नीचे की तरफ आपको कैमरा प्लेसमेंट किया गया है बिल्कुल नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं और जो रिवर्स लाइट है वो भी सबसे नीचे की तरफ दी गई है। थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा पर क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और लॉक अनलॉक करने के लिए चाबी को लगाने के लिए सेपरेट जो ऊपर में ही दिए गए हैं इसमें पिन। यहाँ पर डुअल टोन में आपको जो इस गाड़ी का गेट है वो मिल जाता है इंटीरियर से, ये बेज में है और यहाँ पे आपको बोस के म्यूजिक सिस्टम यूज़ किए गए हैं इस गाड़ी में जो कि गाड़ी के साउंड सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, पार्किंग लाइट बटन और हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए लेवलर मिल जाता है और इस गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। डुअल टोन में इस गाड़ी के सीट जो दिए गए हैं ये लेदरेट सीट्स हैं जो कि बेज एंड ब्लैक कलर में आ जाते हैं। सीट का जो कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बीच में जो डिज़ाइनिंग दिए गए हैं ये थोड़ा सा कुशन को और भी ज़्यादा आरामदायक बनाता है, खास करके जब आप लॉन्ग रूट में चल रहे हो। अभी बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो चलते हैं इंटीरियर की तरफ में। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस गाड़ी का MID जो कि कम्प्लीटली डिजिटल सेटअप में आ जाता है और स्टेयरिंग आप देख सकते हैं कम्प्लीट लेदर रैप में है और स्टिचेस भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर आपको जो एडास वाला बटन है वो भी मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी में एडास अब आ गया है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का किसी अगले वीडियो में के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।